कुछ इस लाइन के लिए मना भी करते हैं और कुछ के घरवाले सपोर्ट भी करते हैं। मना घरवाले इसलिए करते हैं क्योंकि इस लाइन में बहुत से कम लोग, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा ने मेरे को किया, हमेशा किया, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। अगर घरवालों ने और उन्होंने मना भी किया तो भी उनको पापा ने मनाया कि चलड़ा बहुत तो होता है, सच्चाई बताना क्योंकि इंटरव्यू वो भी देख रहे होंगे। बिल्कुल, देखो थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन एक हमारा जो रिश्ता होता है ये एक बहुत ही मजबूत होता है। नाम कुशल किशोर है लेकिन उस नाम को मैंने छोटा किया, के किया और उसके साथ साथ मैंने अपने गांव का नाम जोड़ा करीरा, तो इसलिए मेरे गांव वाले इससे करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। मैं तो कहता हूं कि अगर मेरे साथ करना चाहेंगे तो मैं करने को तैयार हूं उनके साथ काम। का नहीं होता, जिसका हम सपोर्ट करते हैं वही लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। तो और कुछ लोग होते हैं अच्छे लेकिन ये जो नशा और ये सब चीज़ें हैं, मैं कहूँगा ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये ना करें तो ही अच्छा है। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? ICT मीडिया में आप सबका स्वागत है, मैं संदीप तेज। जैसा कि हम आए दिन प्रतिदिन किसी न किसी कलाकारों से आपका परिचय करवा रहे हैं, उनके विचार आप तक लेकर आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक भाई हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो भाई का जो परिचय है वो भाई स्वयं बताएंगे, कहाँ से हैं, क्या नाम है, कहाँ काम करते हैं, किस प्रकार से क्या है। सबसे पहले आपका ICTM मीडिया में स्वागत, हम पूरे चैनल की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद और ICTM के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आप अपना परिचय बताइए हमारे जितने दर्शक हैं। मेरा नाम के करीरा है और मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कनीना के पास एक छोटा सा गाँव करीरा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं इस लाइन के अंदर 2012 में आया था, मैं म्यूज़िक की लाइन में आया था और एज ए सिंगर भी काम कर चुका हूँ, एज ए मॉडल भी काम कर चुका हूँ, एज ए डायरेक्टर भी काम कर चुका हूँ मैं। इस लाइन में शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, जो सिंगर हैं कलाकार की जो लाइन है वो पहला कदम कहाँ से शुरुआत की आप? ये मैंने 2012 में किया था और 2012 में मेरा सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी नरेंद्र चावरिया जी से, राजू पंजाबी जी से, उनके साथ मैंने भोले के गाने किए थे और उस टाइम मैंने 4-5 गाने किए थे और वहाँ से मैंने सबसे पहला कदम मैंने भोले के गानों से किया था। उसके बाद में मैंने और भी काफ़ी सॉन्ग्स किए हैं जो मार्केट के अंदर हिट भी रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरा सॉन्ग आया था निर्भाग लुगाई जो मासूम शर्मा के साथ आया था, मासूम शर्मा ने उसने सिंगिंग की थी और सोनिका ने एज ए मॉडल वर्क किया था मेरे साथ और भी साथी कलाकार थे और वो गाना मेरा बहुत अच्छा रहा था। जैसे कि आपने बताया इस लाइन में आप इस प्रकार से आए थे, तो घरवालों की बात की जाए, क्या घरवाले आपकी सपोर्ट में थे या फिर उन्होंने स्टार्टिंग में मना कर दिया था? हाँ, कुछ इस लाइन के लिए मना भी करते हैं और कुछ के घरवाले सपोर्ट भी करते हैं। मना घरवाले इसलिए करते हैं क्योंकि इस लाइन में बहुत से कम लोग हैं जो सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, सब एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे रहते हैं, कभी भी कोई सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए घरवाले मना भी करते हैं कि बेटा नहीं, या तो ये तो उनका काम है, जिनके पास पैसे बहुत हों वो इस लाइन में काम कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंट के बेस के ऊपर बहुत कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। जिनके पास टैलेंट होता है, पैसे नहीं होते तो इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, तो घरवाले थोड़ा कम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे घरवालों ने कभी मना नहीं किया, उन्होंने हमेशा ये कहा कि हाँ भाई, जितना अगर तेरे को जो चीज़ अच्छा लगता है, जो काम अच्छा लगता है करना, अगर तेरे को लगता है कि तू कर सकता है तो उस काम को तू कर। तो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा ने मेरे को किया, हमेशा किया, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। अगर घरवालों ने और उन्होंने मना भी किया तो भी उनको पापा ने मनाया कि चलो कोई बात नहीं, इसकी इच्छा ये करना चाहता है तो करने दो इसको। बात की जाए आपके स्टडी की, पढ़ाई की, स्टडी आपने कहाँ तक की हुई है? स्टडी मैंने BCOM की है
और मैंने 10th और 12th क्लास की थी सूरज स्कूल से, मेंदेड़ से। उसके बाद में मैंने पॉलिटेक्निक करी थी, उसके बाद में मैंने बीकॉम भी करी थी। उसके बावजूद जैसे कि आपने बताया परिवार वालों का आपका साथ था, गांव वालों की बात की जाए, गांव जो आपके गांव के जो व्यक्ति हैं, तो कभी गए हो गांव में, जाते रहते हो या फिर बाहर जहां आप प्रोग्राम करते हो, गाने शूट करते हो, उसके बावजूद आपका जो गाना आता है, गांव में युवाओं में भी रहते हो, हमारे बुजुर्ग हैं गांव के, उनमें भी आप बैठते हो, तो उनके विचार किस प्रकार से आपसे क्या मिले हैं? सही में गांव वालों ने आपको सपोर्ट किया है कि ठीक है जी हमारा लड़का सही काम कर रहे हैं? हाँ, मेरे गाँव वाले मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सब इस चीज़ का मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि भाई तूने अपने नाम के साथ साथ, मैंने मेरा पूरा नाम कुशल किशोर है लेकिन उस नाम को मैंने छोटा किया, के किया, और उसके साथ साथ मैंने अपने गांव का नाम जोड़ा करीरा, तो इसलिए मेरे गांव वाले इस चीज़ को बहुत ही मतलब अच्छा मानते हैं, इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि भाई इसने अपने गाँव को इतना सपोर्ट कर रहा है। आज पूरे हरियाणा के अंदर मतलब जहाँ भी मेरा नाम जाता है तो मेरे नाम के साथ मेरे गाँव का नाम जाता है, तो उस चीज़ का गाँव का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है मेरे को। अब हम बात करते हैं आपके कुछ जीवन से जुड़ी, शादी आपकी हो चुकी है या फिर होने वाली है? नहीं, शादी अभी मेरी नहीं हुई है, अभी मेरी इंगेजमेंट हुई है, अभी थोड़े दिन पहले 15 मार्च को ही हुई है शादी, अभी मेरी नवंबर या दिसंबर के अंदर होगी। जितने भी दर्शक हैं वो नवंबर का ध्यान रखें, डायरी में नोट कर लें, नवंबर में भाई की शादी है। भाई नहीं बुला रहे, हम बोल रहे हैं सभी को आना है। नहीं नहीं बिल्कुल सभी को बुलाया जाएगा, पर्सनली मैं फिर से आपके साथ फिर से जुड़ूंगा और आपके साथ आके मैं फिर से सभी को इनविटेशन पर्सनल देने के लिए आऊँगा और सब आना मेरे शादी में, सबको बुलाऊँगा आपसे। अब हम जो आज के जो विचार हैं युवाओं के उन पर बात करते हैं भाई जी, आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा युवाओं से आपकी मुलाकात होती है, समाज में कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है जो आज के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटके हुए हैं, चाहे उस किसी स्टडी की बात कर लो या फिर संस्कारों की बात कर लो, किसी में फील्ड में युवाओं की है वो एक नज़र आता है कि वो अपने मार्ग से भटके हुए हैं, ज़्यादातर जो युवा हैं वो नशे की लत की तरफ जा रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या संदेश दो? उनका यही है, देखो मैं एक बात कहता हूँ, कोई किसी का नहीं होता, जिसका हम सपोर्ट करते हैं वही लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, तो और कुछ लोग होते हैं अच्छे, लेकिन ये जो नशा और ये सब चीज़ें हैं, मैं कहूँगा ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारे जीवन को एक सिर्फ बर्बादी की साइड लेके जाते हैं, इसके अलावा इनका कुछ मोटिव नहीं होता। और अगर वो देखना चाहेंगे अपने आस पड़ोस में उनके कोई रिश्तेदार कोई ऐसा मिल जाएगा जिनसे उनको सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई उन्होंने नशा किया, जुआ खेला या फिर कुछ भी गलत काम किए, उन गलत काम का हमेशा गलत ही नतीजा निकलता है, कभी अच्छा निकला ही नहीं है, तो मैं कहूँगा कि अपना एक संकल्प लेके चलें जब भी पढ़ें कि हमें मेरे को पढ़ना है तो मेरे को पढ़ाई की लाइन में आगे जाना है, कोई सिंगर है तो मेरे को सिंगिंग करनी है तो मैं दिल से करूँ, उसके ऊपर दिल से मेहनत करूँ, मेरे को आगे तक जाना है, कोई खेल के अंदर है तो मैं पूरे दिल से खेलूँ, उसके ऊपर पूरी मेहनत लगाऊँ और मेरे को खेल के मैदान में आगे पहुँचना है, तो किसी भी चीज़ के अंदर करें तो अपना एक दृढ़ संकल्प लेके चलें कि हमें उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ना है, तो अपने उसी एक फोकस के ऊपर उसको फोकस करके और जब जीवन में आगे बढ़ें। ये आपके जो विचार है वो बहुत अच्छे हैं, जिस भी फील्ड में कोई भी काम करे तो वो एक पूरी लगन के साथ काम करे ताकि उस फील्ड में उस व्यक्ति को, उस युवा साथी को कामयाबी मिल सके। ये हमारे साथ के भाई बने हुए थे जो कि इनसे ये अपना बताएंगे कि इनके जो सॉन्ग है वो किस नाम से हैं, यूट्यूब पर चैनल किस नाम से, यदि हमारे कोई दर्शक देखना चाहिए आपके सॉन्ग तो वो किस नाम से हैं? पहली बात तो अगर मेरा नाम भी सर्च करेंगे तो जैसे या तो गूगल पे भी मेरा नाम के करीरा जैसे डालेंगे तो मेरे बारे में सारी चीज़ें आ जाएंगी, मेरी फेसबुक की प्रोफाइल हो, चाहे टिकटॉक की आईडी हो, चाहे मेरे गाने हो, सब कुछ गूगल पे भी मिल जाएगा। और यूट्यूब पे अगर देखना चाहें तो के करीरा ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल भी है और मेरे सॉन्ग के करीरा डालेंगे तो मोस्टली सारे सॉन्ग मेरे आ जाते हैं यूट्यूब पे मेरा नाम डालते हैं। मेरे एक प्रश्न अभी याद आ गया, उस प्रश्न पे हम भाई से सवाल जवाब करेंगे, जैसा कि आपने बताया आपकी शादी हुई नहीं है पर होने वाली है, तो जो जिससे आपकी शादी होने वाली है क्या उनको पता है आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल पता है और मैंने उनसे इस बारे में बात भी करी थी,
तो उनका एक ही उत्तर था कि मतलब किसी भी रिश्ते के अंदर सबसे ज़्यादा विश्वास होना ज़रूरी है जी। तो उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस लाइन में काम करता हूँ या फिर कुछ करता हूँ। जैसे कि आप काम करते हो इस फील्ड में, तो लड़कियाँ भी आपके साथ सॉन्ग करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको ठीक नहीं लगता कि भाई ये उनके साथ काम कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं इस प्रकार से? नहीं देखो, थोड़ा बहुत तो होता है, सच्चाई बताना, क्योंकि इंटरव्यू वो भी देख रहे होंगे। बिल्कुल, देखो थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन एक हमारा जो रिश्ता होता है ये एक बहुत ही मजबूत होता है, और वो मतलब ये चाहते हैं कि चलो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मैं अपना हरियाणा को ऊपर उठाने के लिए, अपने गांव के नाम को ऊपर उठाने के लिए, और मोस्टली सब ज़्यादा तो फोकस हरियाणवी को, अपनी हरियाणवी जो बोली है उसको ऊपर उठाने के लिए काम कर रहा हूँ। और ऐसे ना मेरे किसी भी गाने के अंदर ऐसे ना ही कोई गंदे सीन मिलेंगे, ना ही कोई गंदा ऐसा कोई गाना मिलेगा जिसके अंदर मतलब अश्लीलता दिखाई गई हो या फिर ऐसा कुछ हो। बहुत ही मतलब अच्छे तरीके के सॉन्ग है मेरे, तो ऐसा कुछ नहीं है, और ना उनको इस चीज़ से कोई दिक्कत है। भविष्य में आगे यदि वो इस फील्ड में आना चाहें तो क्या आप उनको लेकर आओगे? नहीं, पहला तो उनका इस फील्ड के अंदर नहीं है, वो तो गवर्नमेंट जॉब के उसमें लगी हुई है, उनकी तैयारी कर रही है वो, तो उनका इस फील्ड में वो नहीं आना चाहती। भाई देखो, ये ऐसे विचार आ गए कि साथ काम करना है, जैसे बहुत से कलाकार साथी हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, पर बहुत से कलाकार साथी हैं जो काम कर रहे हैं मिलकर, तो उस प्रकार से कभी उनके विचार आ गए कि जी मैं तो आपके साथ ही काम करना चाहती हूँ, तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल, अगर करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम, मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे साथ करना चाहेंगे तो मैं करने को तैयार हूँ उनके साथ काम। जैसे कि आज हमारे साथ भाई बने हुए थे, और आगे भी हम दिन प्रतिदिन किसी न किसी हरियाणवी कलाकारों से आपका परिचय करवाते रहेंगे, और आपके अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ICTM की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इंटरव्यू देखा, और ऐसे ही मैं भी इनके साथ आगे आता रहूँगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे अपने हरियाणा के जितने कलाकार हैं सबका इंटरव्यू भाई लेके आते रहेंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे इंटरव्यू लेते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। सपने का जिक्र करूं कुछ बात कहीं ना जाती।